सफाई की दुनिया में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये हो रहा है पानी गर्म। मैं आज बनाने जा रही हूँ सेजवान सॉस। आपने देखा होगा मेरे पिज्ज़ा वाली वीडियो में कि मैंने सेजवान सॉस यूज़ किया था और मेरा सॉस ख़त्म हो रहा था, और मैं आज बनाने जा रही हूँ सेजवान सॉस। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट कर मुझे ज़रूर बताया करिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है ज़्यादा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सेजवान सॉस कैसे मैं बना रही हूँ उसकी रेसिपी आप देखते जाइए। मैंने ये पानी रख दिया गर्म होने, थोड़ा सा 1 कप के करीब ये पानी है। और ये मैंने नॉर्मल मिर्च जो है ये वही ली है। सेजवान मिर्च जो आती है वो हमारे यहाँ नहीं मिलती है, तो मैं इस तरह की मिर्च लूँगी। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। तो देखिए पानी में उबाल आने लगा है, अब मैं ये मिर्च को इसमें डाल दूँगी। हमें मिर्च को इसमें डुबा देना है अच्छे से, ताकि मिर्च हमारी अच्छे से फूल जाए। मिर्च हमारी अच्छे से भीग गई है, तो हम इस मिर्च को जार में निकाल लेंगे। जो ये मिर्च का पानी है आप रख भी सकते हैं, जब आप सॉस बनाएं उसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको वहाँ पर यूज़ भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सादा पानी भी मिला सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो। तो मैं ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करती हूँ, तो ये पानी मैं अलग हटा दूँगी। यहाँ पर मैं ये 2 इंच के करीब का अदरक का टुकड़ा लूँगी और इसको काट कर इसमें डाल दूँगी, बारीक पीस लूँगी। अदरक के टुकड़े को काट कर डालने से ये जल्दी पिस जाएगा। क्योंकि मिर्च हमारी बहुत ही जल्दी पिस जाती है और ये थोड़ा सा टाइट होता है तो इसको पिसने में टाइम लगता है, इसलिए हम इसे कट करके डाल देंगे। मिर्च में मैं 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। रिफाइंड ऑयल डालने से जो है मिर्च में से तीखापन, जब हम पीसेंगे इसमें से तीखापन नहीं उड़ेगा। इसे थोड़ा सा ठंडा कर कर हम पीस लेंगे। तो देखिए मिर्च हमारी पीस कर तैयार हो गई है। अब तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में करीब 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। ये मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है, सरसों के ऑयल में इसे नहीं बनाना है। आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं या तिल का तेल लग सकते हैं, आप तिल गरम कर लेंगे। अब हम ये इसमें डाल देंगे। ऊपर सारी मिर्च लेके हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे मैंने 10 से 12 कलियां लहसुन की ली हैं, बारीक कटी हुई है, इसको भी हम इसी टाइम पे डाल देंगे। तो ये हमारी लहसुन जो है भुनेगा नहीं लेकिन कुक हो जाएगा। आप चाहें तो लहसुन को पहले और रिफाइंड ऑयल में थोड़ा से देर के लिए पहले डाल सकते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, लेकिन मुझे इस तरह से ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इसको इसी टाइम पे ही डालती हूँ। लहसुन पक तो जाए लेकिन भुने नहीं। तो देखिए इस तरह से हमारा मिर्च, इसको एक दो बार हम चला लेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ धनिया की डंडियाँ हैं, ये मैंने धनिया की डंडियों को काट कर लिया है, इसको डाल दूँगी। इसके करीब मैं ऑर्गेनो डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डाल लें, नहीं है तो कोई बात नहीं।
दो चुटकी के करीब काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। आप कुटी हुई काली मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास इसका पाउडर बना हुआ रखा है तो मैं ये डाल देती हूँ। इसमें 4 बड़े चम्मच लाल मिर्च डालूंगी, देगी लाल मिर्च है ये। इससे जो है कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और हमारी कड़वाहट भी इतनी नहीं होगी और कलर और टेस्ट बढ़ जाएगा। तो 4 बड़े चम्मच के करीब मैं ये भी डाल दूंगी। अगर 10 ग्राम आप लाल मिर्च सादी वाली ले रहे हैं जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, तो आपको 10 ग्राम बोली तो 30 ग्राम आपको कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डालनी है। इस तरह से आप देखिए, हमें इसको ढककर थोड़ी देर पका लेना है अच्छे से। ये जब तक पक जाएगा, देखिए कलर इसका कितना ही अच्छा आ रहा है। 1 मिनट के लिए मैं इसे ढककर पका लूँगी मंदी मंदी आँच में। अब मैं इसे खोल कर देख लेती हूँ। बीच बीच में एक दो बार मैंने इसे चलाया भी है और देखिए बहुत ही अच्छे से ये कुक हो चुकी है, पक चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच। तो अब मैं यहाँ पर डालने जा रही हूँ टमाटो सॉस। टमेटो सॉस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इससे हमारे सॉस में जो टेस्ट है खट्टा मीठा सा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 8 से 10 चम्मच के करीब इसको ऐड कर दूंगी। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और देखिए इस तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है इसका। और कलर देखिए आप कितना अच्छा आ रहा है इसका, बहुत ही अच्छा बन रहा है ये। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ एप्पल विनेगर। आप चाहे तो कोई किसी भी तरह का विनेगर यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास है इस समय ये था। तो मैं 1 चम्मच के करीब इसे भी डाल दूँगी। इससे ये है जल्दी ख़राब नहीं होगी चटनी हमारी और टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। और आज मैं नमक डालना भूल गई थी तो मैं अब इसमें लास्ट में नमक डाल दे रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आप डाल दें। मैंने 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक इसमें डाल दिया है। तो देखिए हमारी जो सेजवान सॉस है वो बनकर तैयार है। कितना ही अच्छा कलर आ रहा है इसमें, और जितना ये दिखने में अच्छा है उतना ही खाने में भी अच्छा बना है। फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे फ्रेंड्स।